एक बड़ी जानकारी जम्मू कश्मीर से आ रही है, वो आपको दे देते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के बारामूला से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है और आपको बता देते हैं कि इनकम टैक्स के छापे वहां पर पड़ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आपको बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर के बारामूला में इनकम टैक्स की छापेमार कार्रवाई इस वक्त हो रही है। और थोड़ी देर में हमारे संवाददाता जुड़ेंगे तो आपको बताएंगे कि क्या इस मामले में किसी की गिरफ्तारी भी हुई है या फिर नहीं हुई है, क्योंकि ये जानकारी इस वक्त मिल रही है कि इस वक्त छापेमार कार्रवाई की जा रही है। इनकम टैक्स इस वक्त छापेमार कार्रवाई कर रहा है और बड़ी खबर आपको बारामूला से देने की कोशिश कर रहे हैं। ताजा जानकारी, बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से इस वक्त आपको दे रहे हैं, यानी जम्मू कश्मीर के बारामूला से इस वक्त आपको दे रहे हैं, क्योंकि गाड़ियां पहुंची हैं इनकम टैक्स की छापेमार कार्रवाई करने के लिए, अधिकारी साहब पहुंचे हैं और इस वक्त भी छापेमार कार्रवाई चल रही है जब हम आपको खबर बता रहे हैं, क्योंकि गुलिस्तान न्यूज ताजा जानकारी आपको देता है। इरशाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं बारामूला से ताजा जानकारी के साथ। इरशाद, कहां कहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये छापेमार कार्रवाई की है, क्या किसी की गिरफ्तारी की खबर भी आप दे रहे हैं? जी बिल्कुल हरीश, अगर हम जिले बारामूला के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें जहां पे एनआईए की तरफ से या एसीबी की तरफ से जो छापामार कार्रवाई वो लगातार जारी है, चाहे हम बारामूला या सोपोर या हंदवारा या दीगर इलाकों की बात करें, क्योंकि आज सुबह सवेरे यहां पे जो मिंट कॉम्प्लेक्स है यहां पे आज सुबह इनकम टैक्स जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो यहां पे आई है। ये बताया जाता है वो दिल्ली से आए हैं और बाजाब्ता तौर पर जो है यहाँ पे जो बिजनेसमैन है उनके शॉपों पे जो है छापामार कार्रवाई की गई और यहाँ पे कुछ दस्तावेज भी बरामद किए गए। फिलहाल अगरचे यहाँ पे इनकम टैक्स जो इन्वेस्टिगेशन टीम आई थी और उन्होंने फिलहाल एक यहाँ पे जो बिजनेसमैन है उसको फिलहाल जो है अपने हिरासत में लिया है और ये कहा जाता है वो इनकम टैक्स जो है वो नहीं भरता था और इसी के समय जो है इसको फिलहाल जो है अपने हिरासत में लिया है। और ये जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे ये छापामार कार्रवाई जो है ये इस वक्त भी लगातार जारी है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के नाम से ये मशहूर है और ये इसमें जो पाने तुल्यू जो डिपार्टमेंटल स्टोर है, चाहे दीगर जो बेक माई केक है या इसके साथ साथ गुराब जो तीसरा शॉप है वहां पे, हालांकि जो गुराब और बेक माई केक का जो मालिक है एडवोकेट मुदस्सर, हालांकि उस पर जो है क्लियरेंस दी गई, हालांकि वहां से कुछ नहीं निकला। फिलहाल ये जो कार्रवाई है ये इस वक्त भी जारी है, हालांकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ साथ यहाँ पे सीआरपीएफ का अमला जो है वो इस वक्त मौजूद है। फिलहाल ये बड़े पैमाने पे जो है इस वक्त इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है और यहाँ पे जो मिड कॉम्प्लेक्स में जो डिपार्टमेंटल स्टोर है माने तुल्यू जो उसका मैनेजर है मोहम्मद अमीन बताया जाता है, मोहम्मद अमीन ककरू उसका नाम बताया जाता है, फिलहाल जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसको अपने साथ में ले लिया और फिलहाल जो है बड़े पैमाने पे जो है इस वक्त तहकीकात चल रहे हैं, चाहे इसमें और लोग मुलव्वस हैं चाहे इसमें और जो है बिजनेसमैन मुलव्वस पाए जाएंगे, फिलहाल ये कहना मुश्किल है। हालांकि एक जो शख्स है फिलहाल उसको जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो अफसरान हैं उन्होंने फिलहाल जो है उसको अपने साथ में लिया है और कब तक चल सकती है कार्रवाई, क्योंकि आप बता रहे हैं कि इस वक्त अभी भी छापेमार कार्रवाई चल रही है, आप इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हैं शायद और गुलिस्तान न्यूज ग्राउंड जीरो से जानकारी देता है अपने दर्शकों को, सच्चाई बताता है, कब तक चल सकती है, कोई समय बताया गया है कि ये कार्रवाई कब तक चलेगी? अभी कुछ नहीं कह सकते हरीश, बिल्कुल आपको बता दें थोड़ा यही वो कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे आज सुबह ये कार्रवाई के दौरान जो है फिलहाल एक जो शख्स है उसको अपने हिरासत में लिया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। हालांकि इस वक्त बाजाबा तौर पर जो है इस वक्त भी यहाँ पे सीआरपीएफ का हमला है, चाहे दीगर जो फोर्सेस है, चाहे हम यहाँ पे इनकम टैक्स जो है वो इस वक्त भी जो लगातार जो है यही कोशिश करते हैं कि यहाँ पे कुछ निकले, मगर यहाँ पे कुछ दस्तावेज तो निकले लेकिन इसके साथ साथ देखा जाए बड़े पैमाने पे जो है इस वक्त इन्वेस्टिगेशन हो रही है, क्योंकि अगर देखा जाए ये जो इसमें कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे हम एचडीएफसी बैंक भी हैं और इसके साथ साथ होम स्ट्रीट पाने तुल्यू या उबराय है या इसके साथ साथ दीगर जो डिपार्टमेंटल स्टोर है यहाँ पे, फिलहाल ये कहना मुश्किल है कितना टाइम लगेगा और इस वक्त जो है ये कार्रवाई लगातार जो है जारी है। अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे
जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो अफसर आने उनके साथ बात करने की कोशिश की, मगर उन्होंने बात करने से एतराज किया है और ये कहा गया इसमें और जो है मजीद वक्फा लगेगा। लगे कितना टाइम लगेगा ये अभी कहना मुश्किल है। फिलहाल उस मोहम्मद अमीन काकर को जो है अपने साथ में लिया है और सूत्र के मुताबिक कहा जाता है वो कॉन्ट्रैक्टर भी है और इसके साथ साथ वो यहाँ पे पाने तिलू जो डिपार्टमेंटल स्टोर है उसका जो मैनेजर बताया जाता है और मजीद जो है इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। ठीक है इरशाद, नजर बनाए रखिएगा, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए।